किसान पीड़ितों और आपदा पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग के साथ ही किसानों का बिजली पानी का बिल माफ किए जाने की मांग को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी सीएम आवास कूच के लिए पहुंचे। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर हरीश रावत समेत कांग्रेसियों को रोक लिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की देखने को भी मिली। इसके बाद हरीश रावत समेत गणेश गोदियाल बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। हरीश रावत ने कहा कि आज हरिद्वार से सैकड़ों की संख्या में किसान सड़े गन्ने लेकर सरकार का विरोध करने पहुंचे हैं। तामे सरकार को होश में आना होगा। हरीश रावत ने कहा कि अगर सरकार ने हमारे किसानों की मांगे नहीं मानी तो शहर भी जाम करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और किसानों ने जमकर सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। और दर्द से अपनी खेती के दर्द से मिल मिलाया हुआ किसान और किसानी दोनों आज देहरादून की सड़कों पर अपने सड़े हुए गन्ने के साथ हैं और ये कहने के लिए आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी हमको मुआवजा नहीं दे सकते हो मगर हमारा अपमान मत करो, हमारे घावों पर आप नमक मत छिड़को। 2014 में इन्हीं किसानों को 8000 रुपया प्रति बीघा मुआवजा मिला था, आज 1100 रुपया प्रति बीघा मुआवजा दिया जा रहा है। किसान मांग कर रहा है कि ये कम से कम 10000 रुपया बीघा होना चाहिए आपदा पीड़ित किसानों का मुआवजा। दूसरी मांग किसानों की है कि गन्ना हमारा मुख्य आधार है, गन्ने के दाम, चीनी के दाम, एथनॉल के दाम दुनिया में बढ़ रहे हैं, आप जो है हमारे जो गन्ने का खरीद मूल्य है उसको 425 रुपया प्रति क्विंटल से ज़्यादा करो, 425 रुपया प्रति क्विंटल से ज़्यादा करो। और फसल चक्र का अर्थात 6 महीने का बिजली पानी माफ़ करो, जो हमने कर्ज ले रखा है उसकी वसूली स्थगित करो, ब्याज माफ करो। और इकबारपुर चीनी मिल का जो 100 करोड़ रुपया बाकी है जिसका आपने वादा किया था, केवल 3-4 करोड़ रुपये के भुगतान के बाद आपके कदम रुक गए, वो कदम आगे बढ़ने चाहिए। इकबालपुर चीनी मिल पर जो बकाया है किसानों का उसका भुगतान प्रारंभ करो। ये 4 मांगों को लेकर के ये है और हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, किसान का स्पष्ट कहना है कि यदि 15-20 अक्टूबर के बाद आपने कोई कदम इस दिशा में नहीं उठाया तो हम लोग जो है देहरादून भी जाम करने आएंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग भी जाम करेंगे, हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। तो आज अपना सड़ा गन्ना जो है अभी हजारों की संख्या में ये जो किसान आए हैं दूर दूर से, ये चीफ मिनिस्टर को समर्पित करेंगे। अभी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, निश्चित रूप से जिस तरह के हालात हैं प्रदेश और देश के, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारी पूरे देश भर में जय जय जवान जय किसान के नारों से गूंजता है पूरा देश। आज किसान भूखमरी के हालात हो चुके हैं, किसानों की आय को दुगना करने की बात केंद्र सरकार ने लगातार कही, 2022 में किसानों की आय दुगना हो जाएगी, आय दुगनी नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ी हैं, दवाएं की कीमतें बढ़ी हैं, खाद की कीमतें बढ़ी हैं, कीटनाशक दवाएं की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं और हद हो गई। जब पिछले साल गेहूं की फसल भारी बारिश से चौपट हो गई और पहाड़ों में बेमौसमी सब्जी, छोटे जोत के काश्तकार जिनके फलदार वृक्ष थे वो सब तबाही के कगार पर पहुंच गए, कोई सर्वे नहीं हुआ और इसी आपदा में, इसी भारी बारिश में, इस दौर में धान की फसल, गन्ने की फसल नेस्ता नाबूद हो गई है, कोई सर्वे नहीं हुआ है, कोई मुआवजा नहीं मिला है, किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, तमाम विषय हैं। इसी मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव करने का फैसला किया है। नहीं आना तो मजबूरी होगी, ये देखो इसकी लंबाई गन्ने की, आपके चैनल से दिखाना चाह रहा हूँ मैं उत्तराखंड के लोगों को, इसकी लंबाई 15 से 20 फीट थी और इस आपदा ने ये ख़त्म कर दिया। हरिद्वार के लोगों की मुख्य फसल गन्ना है और गन्ना ही हमारा चला गया तो हमारे पर क्या बचा,
ना धान बचा, ना चेरी बची, ना भूसा बचा। पशु भी परेशान, आदमी भी परेशान। जहाँ पानी भर गया था वो लिकड़ा नहीं, डेंगू आ गया, पशुओं में बीमारी आ गई। और ये सरकार मुआवजा दे रही 1100 रुपये बीघा ऊँट के मुँह में जीरा। बताओ आप, खर्चा आ रहा 12000 रुपये, ये दे रहे 1100 रुपये, और वो भी सबको नहीं। छाटना परिवार में से एक दो आदमी को भेज देंगे, इसका मुँह चुप हो जाएगा, 2-2 हज़ार का चेक, आगे छुट्टी। ये हालत है सरकार की, डबल इंजन की। पता लगेगा इन्हें 24 में किसान के विरोध का। किसान कहाँ जाएगा ये बताओ? बिजली के बिल 3 महीने के माफ़ करें, अभी की तो मर गई फसल, अभी 2 साल पीछे हट गया किसान, कहाँ से जमा करेगा अगला बिल? कृषि ऋण हमें माफ़ नहीं कर रहे हैं। अगर ये किसान के हित की बात करते तो कृषि ऋण माफ़ करते, बिजली के बिल माफ़ करते 2 साल के, और गन्ने जो बच गया गन्ना, इसका भाव तय करते। उत्तराखंड में एक मिसाल पेश होती कि यहाँ आपदा आई है 500 रुपये कुंटल, अब ये कुछ भी नहीं। जब से यहाँ सत्ता में 1 रुपया नहीं उन्होंने बढ़ा दिया, तो निमटी गया काम हमारा। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।